कोरोना संदिग्ध के इलाज के लिए चिन्हित येलो श्रेणी के गोकुलदास अस्पताल में गुरुवार को एक घंटे में 3 मरीजों की मौत के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद गोकुलदास अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया है। कोरोना संदिग्धों के इलाज के लिए चिन्हित येलो श्रेणी के गोकुलदास अस्पताल में गुरुवार को एक घंटे में 3 मरीजों की मौत के बाद हंगामा हो गया। सिर्फ 4-5 घंटे ही यहां 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि येलो कैटेगरी से ग्रीन में आने की जल्दी में लापरवाही बरती जा रही है। एक युवती ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सांसद शंकर लालवानी ने मामले में कलेक्टर मनीष सिंह से बात की। इस पर संभागीय कमिश्नर आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी। कलेक्टर मुताबिक अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया है। यहां के मरीजों को मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में शिफ्ट करेंगे। जांच में प्रबंधन दोषी मिला तो लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर अस्पताल सील कर देंगे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने की पुष्टि की 6 घंटे में 6 मौतों के बाद भी कार्रवाई की है। अस्पताल नए मरीज नहीं भर्ती कर पाएगा। अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग से संपर्क नहीं किया गया है। अभी अस्पताल में कुल 13 मरीज भर्ती, जिसमें 1 मरीज आईसीयू में है और 12 मरीज जनरल वार्ड में भर्ती। इन्हें भी अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करने पर स्वास्थ्य विभाग विचार कर रहा है। हॉस्पिटल की लापरवाही की जांच की जा रही है। कॉल करें लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ग्रीन कैटेगरी में आने अथवा येलो कैटेगरी में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि ग्रीन कैटेगरी में आना भी है और उन्हें सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज तो सामान्य प्रक्रिया है जो निश्चित अंतराल के बाद डिसइंफेक्शन के लिए की जाती है, और ऐसे में मरीजों का ध्यान रखते हुए ये कार्रवाई की जाती है। जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि आईसीयू का जो 1 मरीज है उसकी हालत देखकर हम उसको शिफ्ट करेंगे, ये उनका स्वयं का भी निर्णय होना चाहिए था कि मरीजों की हालत क्या है, और उन्होंने शिफ्टिंग का यदि प्रयास किया या ग्रीन में आना है और उसके पहले हमें लोग भीड़ कम करना है, अस्पताल खाली करना है, सैनिटाइज करना है, ये सब बातें ठीक नहीं है। सर, एक बात कही जा रही थी कि अस्पताल प्रबंधन लगातार मरीजों को लौटा रहा था, कह रहा था कि बेड ऑक्यूपेंसी नहीं है, लेकिन आपके मुताबिक वहाँ 13 ही है, तो ऐसा भी क्या ये इस बिंदु पर भी कोई कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे सारे बिंदु संज्ञान में हैं और कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व में मंदसौर कलेक्टर महोदय ने एक पत्र भेजा था जिसमें मंदसौर निवासी एक महिला को इन्होंने यही कहकर कि बेड नहीं है लौटा दिया था और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। उस बिंदु पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। क्या उसे सील कर दिया गया? कल जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं और हमारे साथ में 2 अन्य वरिष्ठ चिकित्सक गए थे और मौका पे हमने पूरी जांच की, दस्तावेज का पूरा अध्ययन किया और दस्तावेजों को हमने अपने सुपुर्दगी में भी ले लिया है, और वहाँ देखने पर ये प्राप्त हुआ कि कल पूरे दिन में वहाँ पर 6 मौतें हुई थी जो 6 घंटे के अंतराल में हो गई थी। पहली मौत सुबह 11:30 बजे के करीब हुई थी, इसके बाद शाम को 3:40 से लेकर 5:30 बजे तक यानी कि 1.25 घंटे में पुनः 3 मौतें हो गई थी। तो इनका जो भी कारण था वो पूरा अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के पश्चात जो भी गलतियां निकलेंगी या जो भी उसमें कमियां पाई गई या जो भी लापरवाही पाई गई अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कार्य करेंगे। अभी क्या एक्शन लिया सर? वर्तमान में हमने उनके सारे जो पेशेंट का एडमिशन इत्यादि बंद कर दिया है, चूँकि वहाँ पर अभी 14 मरीज हैं एक आईसीयू में, और माफ़ कीजिएगा 13 मरीज हैं एक आईसीयू में और 12 जनरल। तो आईसीयू मरीज की स्थिति को देखते हुए कल रात को इसको सील नहीं किया गया है, लेकिन उनको अस्थायी रूप से स्थगित लाइसेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है ताकि वो अब आगे कोई भी नया एडमिशन ना ले। इन मरीजों की शिफ्टिंग कराने पे विचार किया जा रहा है, अभी जाके देखते हैं मरीजों की क्या स्थिति है, इसके बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज में चाहे तो MTH कंपाउंड में या MRTB में या न्यू चेस्ट वार्ड में जहाँ उचित लगेगा वहाँ पर इनको हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के पश्चात बाकी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल प्रबंधन अभी तक सामने आया बात करने? काफ़ी प्रयास के बाद भी उनसे कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के मोबाइल रात को बंद थे, मैसेज दिया गया उनको कि जब भी वो मोबाइल चालू करें तो कृपया कॉल करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। ग्रीन कैटेगरी में आने अथवा येलो कैटेगरी में होने